हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आप सभी दोस्तों के अच्छी अर्निंग और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी मेरी वीडियोस के थ्रू। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन के बहुत बुरा दिन आ गया है। आज का एक दो दिन से बिटकॉइन बहुत बुरी हालत में चल रहा है और बहुत से लोगों के जो है कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि बिटकॉइन के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन जो है आपको पता है $20,000 के टच करके उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डाउन गया है। लोएस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो $12,000 तक टच कर गया ये, और अभी करंट में जो इसका प्राइस है वो $13,000 अराउंड चल रहा है। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इसको सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई लोगों ने हाई में बाय किया था, 13 लाख 14 लाख के अराउंड बाय किया था। जेपे के प्राइस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा लॉस में आ गया है। तो इसका मैं बता देता हूं कि क्या चल रहा है, क्या आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड वीडियोस देखना। चलते हैं वीडियो के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन हम कौन मार्केट कैप के ऊपर आए हुए हैं, और यहां पे अगर हम बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कैसे ये डाउन चला गया, और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो $13,330 के अराउंड ये चल रहा है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसके चार्ट वगैरह की बात करते हैं, या देख सकते हैं 24 आवर की बात करें तो 21% जो है बिटकॉइन वो डाउन चला गया। यहां पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन की वैल्यू, यहां पे आप देख सकते हैं कैसे इसका चार्ट जो, अगर हम लास्ट के 7 दिन की बात करें इसके चार्ट की, तो आप देख सकते हैं कैसे इसका चार्ट जो है डाउन आ चुका है। लास्ट के 3 मंथ की बात करें तब भी आप इसका चार्ट देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो है, अभी आपको इनके लास्ट के 2-3 दिनों में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डाउन देखने को मिला होगा आपको। यहां पे आप देखें तो इसका प्राइस जो है 16 दिसंबर के आसपास $19,500 था, अराउंड $20,000, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले। और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इसका जो है $13,000 पहुंच गया है, और उससे भी अगर $12,000 जो है इसका लोएस्ट प्राइस जो क्रॉस टच करके आया था। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत लोग पूछ रहे कि उन्होंने $13 लाख पे बाय किया था, तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसे होल्ड रखिए, क्योंकि कोरेक्शन हमेशा आती है बिटकॉइन के अंदर। अगर आप इसको सेल करते हो तो बहुत बड़ा लॉस आप यहां पे खा जाओगे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम, अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए। अगर आपने पहले बाय नहीं किया, अगर आप हाई जब प्राइस चला गया था $20,000 तब बाय नहीं कर पाए, तो ये आपके पास बेस्ट चांस हो सकता है कि आप बिटकॉइन बाय कर सको, क्योंकि कोरेक्शन जो है ऑलवेज आती है। आप पहले अगर अपने पास में देखा हो तो $4 लाख के अराउंड जब गया था बिटकॉइन, तब वापस इसने कोरेक्शन ली थी, 2 लाख 50,000 के अराउंड आ गया था। ऐसे बहुत बार होता है, और ये ऑब्वियस है दोस्तों कोरेक्शन आना, क्योंकि एकदम से प्राइस, अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर अगर आपको पता हो तो बिटकॉइन जो 1 मंथ पहले इसका प्राइस था $7,000-$9,000 के अराउंड था, और अगर हम आज के प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस जो है अभी भी $13,000-$14,000 चल रहा है। मतलब कि आपका जो, अगर आपने 1 मंथ से बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है तो आप ऑलमोस्ट डबल हो अभी तक। लेकिन अगर आपने हाई पे बाय किया तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जल्द ही अपने जो है पुराने वाले पोजीशन पे आ जाएगा। और आपने देखा होगा अगर पहले की 4 लाख के पास जब आया था, जब उसके बाद 250 आया, तो उसके बाद एकदम से जब वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो एकदम से ही क्रॉस कर गया, तो ये आपके पास बेस्ट चांस हो सकता है। दोस्तों, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप बाय कर सकते हो तो, अगर आपने पहले बाय नहीं किया तो आपके पास बेस्ट चांस है बाय करने का। और आपको अल्टकॉइन भी अगर डाउन जा रहे हैं तो उसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अल्टकॉइन आपको बिटकॉइन जो है बिटकॉइन के अंदर रखने है, ना तो किसी भी अल्टकॉइन में इन्वेस्ट करना है, ना ही उसको यूएसडी में या फिर किसी और चीज में INR के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अभी बिटकॉइन हाई जाने वाला है। अगर मान लो कि अगर फिर भी कोरेक्शन आ रहे थे $10,000 तक पहुंच जाता है, तो भी आपको इसको होल्ड करके रखना है। विद इन 1 मंथ विद इन 20 डेज विद इन 10 डेज आपको जो है इसके अंदर वापस पहले वाली ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इजिली इसका प्राइस जो है $25,000 तक भी क्रॉस कर सकता है बिल्कुल इजिली। तो अगर अभी आप सेल कर देते हो, अगर आप अभी इसको अल्टकॉइन में सेंड कर कन्वर्ट कर लेते हो, तो अल्टकॉइन का प्राइस जो है बिटकॉइन के हाई होने की वजह से अल्टकॉइन का प्राइस और डाउन जाएगा, तो उधर आपका डबल लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आपका जैसे पड़ा है बिटकॉइन वैसे ही रहने दो, ना इसको यूएसडी में कन्वर्ट करो, ना ही इसको किसी अल्टकॉइन में कन्वर्ट करो। यहां पे आप देखते हैं पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बुरी तरह से डाउन चली गई है। इथेरियम आप देखते हैं कितना गंदा इसके अंदर डाउनफॉल आया है। यहां पे आप देखते हैं कल की बात करें तो $850 के अराउंड इसका प्राइस था, और अभी देखे तो 660 के आसपास इसका प्राइस पहुंच गया। यहां पे आप बात करें बिटकॉइन कैश, रिपल, सभी कॉइन जो है वो डाउन चले गए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं रिपल कॉइन जस्ट ऊपर है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर और वीडियो बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि 10 सेंट से रिगार्डिंग 1 सेंट वाली वीडियो बनाऊंगा, कि जो भी करेंसी हमारे पास अवेलेबल है 1 सेंट से नीचे या 10 सेंट से नीचे, उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूं, और इन सब के बारे में बताऊंगा कि कौन से कॉइन अच्छे हैं जो काफी ग्रो करके गए हैं। पूरी मार्केट की बात करें तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से मार्केट डाउन, आप कोई भी कॉइन का चार्ट देख सकते हैं, पूरी तरह से सबके सब कॉइन जो है डाउनफॉल में चल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मार्केट जल्द ही अप होगी, स्टेबल हो जाएगी। अभी मैंने टेलीग्राम पे सिग्नल देने बंद कर दिया, क्योंकि अभी आपको किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट
आप अपना बिटकॉइन होल्ड कीजिए, वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा, आपको सेल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बिट डिग्री के अंदर की, वो बिट डिग्री के अंदर ज्वाइन कैसे किया जाए, क्योंकि उनको यहाँ पे जो है आप एक्सचेंजेस से जो फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, होप सो आपको एक दो दिन में इसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी कि आप कैसे अपना माई ईथर वॉलेट से जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये आपके पास बेस्ट चांस हो सकता है आपको बिटकॉइन बाय करने का। बिल्कुल भी सेल मत कीजिए, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा, अगर आप सेल करते हो तो आपका बड़ा लॉस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपने बाय हाई पे किया। और अगर आप लो पे सेल करते हो, क्योंकि जेपे का प्राइस आपको पता हो तो 14 लाख के आसपास था, उस प्राइस पे बहुत लोगों ने बाय किया। और अभी का प्राइस अगर बात करें तो 8 लाख 850 के अराउंड बीच में चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 70-80% जो है डाउन आ चुका है। तो मैंने जो भी कर रहा हूँ, मेरा जैसे पड़ा है वैसे का वैसा मैंने रखा हुआ है, ना तो इसको बिल्कुल भी सेल किया मैंने, ना भी किसी अल्टकॉइन में अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है अच्छी ग्रोथ का चांस हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी नई अपडेट आए मैं आपको बता दूं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सबसे पहले अपडेट आती है, कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं वहीं पे डालता हूं, उसके बाद उसकी वीडियो जो है अगर कोई बनाता हूं तो। और दूसरी बात ये दोस्तों, कांग्रेचुलेशन सभी को, हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारे 40,000 सब्सक्राइबर जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा प्यार किया आप लोगों ने, ऐसे ही करते रहना, हमें बहुत आगे जाना और बहुत आगे हम जाएंगे। अगर आप किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिटकॉइन को होल्ड कीजिए, जल्दी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। और कांग्रेचुलेशन जिन्होंने बहुत ज्यादा लो पे बाय किया था, वो अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मेरे साथ अर्निंग करते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून।